झूठ बोल रही है तुम्हें, मैं बता रहा हूँ ना। बता फिर से, सच बता बिल्कुल। शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती तुझे? है तूने है तुम क्या करवा रहे मेरे साथ ये? हे व्हाट्सअप गाइस, मैं आदित्य चौधरी, स्वागत है आपका आरडीएस प्रोडक्शन में। आगे तुम्हारे भाई की एक और अच्छी वीडियो गाइस। और आज मेरे साथ है प्रीति। प्रीति की बहुत ज़्यादा मजबूरी है और बहुत ज़्यादा परेशान है, आज मैं इसकी हेल्प करने वाला हूँ। तो प्रीति आज पूरे कैमरे के सामने आप सारी चीज़ बता दो, बिल्कुल नर्वस मत हो, ठीक है? आप सब सारी चीज़ बताओ। क्या बताऊँ, बस बताने लायक ऐसी कोई चीज़ भी तो नहीं है ना, बोलने में इतना अजीब लग रहा है। शर्म वाली बात है किसी भी लड़की के लिए, तो खासकर औरत के लिए। क्या बहुत, मेरा पति है वो जिस ऑफिस में काम करता है उसके बॉस ने मुझे देखा वगैरह था, तो उसने प्रमोशन करने के लिए मेरे को डील में रखा है। अच्छा। तो वो हर रोज मेरे पास आता है। ये है कि क्या ही बताऊं, बस उसे पैसे मिलते हैं उसे मेरे बॉस को मेरे पास भेजने के लिए। किस टाइप के पैसे? मतलब उसके बॉस को मैं पसंद हूँ। उसके बॉस ने बोला है मैं तुम्हारा प्रमोशन और सैलरी जब इंक्रीज करूँगा तब तुम्हारी बीवी मेरे साथ शेयर करूँ। अच्छा। और मेरे पति इतना लालच है, उसको सिर्फ पैसा दिखता है। मैं किसी से भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि बात ही ऐसी है ना, तो मैं अपने घर में कह सकती ना किसी दोस्त से कह सकती। 1.5 साल हो गया हमारी शादी को, 8 महीनों से यही चीज चल रही है। अच्छा, कितनी बार हुआ है सब? बहुत बार हो गया, हर दूसरे तीसरे दिन का होता है। तो बहन तू टेंशन मत ले, तेरा आज भाई तेरे साथ है, मैं हेल्प पूरी करूँगा, ठीक है? बट ये मत बताइए मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है? तू उसका वेट कर, दोनों को बुलाया है ना? हाँ, मैंने दोनों को बुलाया है। तो गाइस दोनों का वेट कर रहा तुम्हारा भाई, इतना जो भी बताए ना यार, किसी भी बहन के साथ भी यार ऐसा बताना था तो गुस्सा आती है, तो उस बंदे का वेट कर। Few moments later. कैसे बुलाया मुझे? मुझे बात करनी थी आपसे कुछ। क्या बात करनी है? यही मूड है क्या जंगल में? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ बात करने के लिए बुलाया है आपको। बैठो ना। नहीं मुझे नहीं बैठना। अरे मैं आपसे बात करने के लिए बुलाया अभी नहीं है सब। क्या बात होगी? आज मेरे हाथ छूने से प्रॉब्लम हो रही तुम्हें? हाँ, मुझे इसी बारे में मैंने आपको बात करने के लिए बुलाया है। 8 महीने से तुम्हारे बीच में चल रहा जो कुछ है, जो 8 महीने से चल रहा था वो मेरी मजबूरी थी, अब मुझसे नहीं होता और ज्यादा। ये मुझे क्या कह रही तुम? मैं आप ही को बोल सकती हूँ क्योंकि आप ही ने प्रमोशन की डिमांड रखी थी उनसे, और आपने ही कहा था कि मैं प्रमोशन जब ही करूंगा। मेरे पास सब कुछ है, ठीक है ना? प्लीज बैठ यार। नहीं बैठ के प्लीज बात करो एक बार, ठीक है? ऐसे बता दी मेरे को, बस मैंने आपसे जो बात कर रही हूँ ना, नहीं मैं आपसे खत्म करो जब सब कुछ है तो आपको मैं क्यों चाहिए? मुझे प्रीति एक चीज बताओ, आज मेरे साथ तुम क्या प्रॉब्लम हो रही है? तुम आपको बुलाया है ना, जो था मेरी मजबूरी थी अब मुझसे नहीं होता। 8 महीने से तुम मेरे साथ सो रही हो ना, तो अब हाथ आने में क्या प्रॉब्लम मुझे? ठीक है बैठो, सब कुछ हो चुका है ना, प्लीज बैठो, ठीक है? वो मजबूरी थी मेरी, अब नहीं होता मुझसे, अब मेरे को वो भी नहीं, उससे पहले मेरे को आपको रोकना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बात करने को बुलाया है। मुझे क्यों रोक रही हो? रोको अपने आदमी को, तो आप ही उन्हें पैसे दे रहे हो, आप ही की डिमांड है वो। अगर आप मना करोगे तभी तो बात ना, आप जॉब से क्यों नहीं निकाल देते उन्हें, अपने आप सब कुछ रुक जाएगा। अमीर उसने होना है, मैंने नहीं, मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ ऊपर वाली की दुआ से सब कुछ, ठीक है? प्रमोशन उसे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आप अगर मैं उन्हें रोकती हूँ तो आप रुक जाओगे ना? अगर वो रोकेगा तो देखो बुलाओ उसको, उसे बात करो ना, उसको बोलो मुझे क्यों। मैं उनसे ही बात करूंगी, पहले मेरा आपसे बात करना जरूरी था इसलिए मैंने पहले आपको बोला। देखो मुझे थाली में जब खाना ही मिल रहा है ना भरा हुआ, तो मैं उसको ठुकराऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा मैं, ठीक है? प्लीज, और मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वो जब तुम्हें आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, उसे प्रमोशन चाहिए तो मुझे भी मेरी जो पर मुझे आगे नहीं करना, अब ये सब कुछ बहुत हो गया। मैं अगर उनके साथ आप एक्सचेंज होंगी तो आप भी फंसोगे, फिर आप ये याद रखना, इसलिए मैंने पहले आपको बात करने के लिए बुलाया। बैठो क्या कर रही है बात अपने हस्बैंड? मुझे बस इस बारे में आपसे बात करना था। चले भाई। कौन सा है? ये भी कोई है क्या तुम्हारे? कोई थप्पड़ मार दूंगा, तमीज से बात कर, ठीक है? पहले सोच ले, समझ ले किससे बात कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। नहीं किससे क्या भाई, बोलने से पहले सोच फिर बात कर। वो सिर्फ आगे खड़े हुए हैं, आपका कोई ऐसा जजमेंट नहीं बनता उन्हें देने का, वो कोई भी हो मेरे। तुम्हारे मेरे बीच में जब पर्सनल चल रही है तो इनको कौन है? कौन है? मैंने बुलाया उन्हें। तो फिर बताइए, बता। हाँ क्या चल रहा तेरा ये सब कुछ? ये इससे इसके पति से पूछो, मेरे से नहीं पूछो। कम बिल्कुल चला रहा हूँ। तो ये सेक्स रैकेट चलाएगा तू? मैं मुझे सेक्स रैकेट? तुझे शर्म नहीं आती? तेरे यहाँ सुन, तेरे यहाँ कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? मेरे पास 150 से 200 एम्प्लॉय। कल को तू अपनी लड़की के साथ चलेगा तो अच्छा लगेगा, बोलना। मैंने नहीं प्रमोशन मैं दे रहा हूँ, मैं प्रमोशन दे रहा हूँ करवा। मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, मेरे पास मेरे ऊपर सब कुछ है मेरे पास। समझाया क्यों नहीं? एक लड़की वो भी बहन है ना किसी की? नहीं किसी की हो, लेकिन इसको पति को सोच चाहिए। पति ने भेजा अपने आप, खुशी से भेजा है, मैंने फोर्स नहीं किया उसको। उसको प्रमोशन चाहिए, उसे तरक्की चाहिए। तो मतलब ये सब कराएगा क्या तू? है? मैं ये इसके पति को बोलो, मुझे मत बोलो तुम मेरे भाई, ठीक है? और तुम होते बोलो मुझे बोलने वाले। वो गवारा है?
आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं रास्ते में। अब सुन मेरी बात प्रीति, उसे बिल्कुल भी शक मत होने दियो, ठीक है? मैं आया हूँ आज, मैं सबका ना ऐसे ऐसे मार के जाऊंगा, ध्यान रख। सुन मेरी बात, अच्छा सुन, तेरी गलती होगी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, अगर उसकी गलती है ना तो कुत्ता मना दूंगा उसका मैं, टेंशन मत ले। सुन मेरी बात, अगर तेरी गलती नहीं है ठीक है तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी हेल्प कर, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ उसे आने दे, सारी चीज़ देख लूँ क्या है क्या नहीं, फिर तुम आराम से बात करना, मैं सारा चीज सॉल्व करूंगा। देख ले भाई, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बैठो, कोई परेशानी। मुझे बात करनी थी उनसे। किनसे बात करनी थी? हां तुमसे बात नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए बस, मुझे अब नहीं होता मेरे से ये सब कुछ, मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना। सुन मेरी बात, तू, मैं डिवोर्स नहीं देने वाला, तू कहीं सोच रही हो मेरे को, लेकिन सही है, मेरे को नहीं होता अभी ये सब कुछ, तुझे करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ तुझे, ठीक है? ये तेरा रोज रोज का ड्रामा ना मैं देख देख के पक चुका हूँ अब, ठीक है? शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, है? शर्म नहीं आती तेरे को? अरे भाई तूने इसको बुलाया कहाँ से? कौन है ये तेरा दूसरा यार? अंदर बांट दूंगा 2 मिनट के अंदर, किसी होश में हो, ठीक है? मेरे से पंगे मत लियो, इधर पहले तो ये सब कर रहा है तू, बता भाई। मैं तो उसको बहुत प्यार से रखता हूँ, उससे पूछना एक बार। झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुझे प्यार से नहीं रखता, कुछ भी नहीं है, उसके बदले में भी तो बहुत कुछ है। इधर आ, हाथ मत लगा, पहले बता रहा हूँ, पढ़ा दूंगा मारते मारते, हाथ मत लगा, लड़की हो मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूँ, मेरी बहन है, मेरी बहन है, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या चल रहा है ये सब, ये बता, प्यार से रखता है इसे? क्या फैशन पूरे कर रहा हूँ, क्या कर रहा है तू? तो बहन से शादी क्यों करी तूने, अपने एसएससी बनाने के लिए करी है? अभी दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा तेरा, इधर आ जा, ठीक है? अगर हाथ लग गया ना लड़की को, और तेरा कुत्ता जरूर आऊंगा आज मैं। ये कौन है? तू दूसरे यार, ये कौन है ना? ये बत्ती में, ये कौन है? ये मेरे सारा है, आयुष सारा मेरे। हाँ आयुष, ये क्या ड्रामा भाई तेरा? ये भाई ये ऐसे ऐसे मेरे से टॉर्चर कर रही है, ये मेरे को पता नहीं किसको बुला रही है, मुझे पिटवा ऐसे कर रही है बदतमीजिया। ये तो ये बता ना, ये क्या चीज है मेरे पे, क्या हो रही है? क्या नाम है इसका? इनका नाम जल्दी सा बता, बिल्कुल ध्यान रख लियो, अगर अंदर दे देना पुलिस के बहुत गांड तोड़वाऊंगा, ध्यान रख लियो, जल्दी बता कौन है, क्या नाम है भाई तेरा, नाम बता। इसको पता है मेरा एम्प्लॉई है, जानता नाम बता अपना, एम्प्लॉई मेरे जानते से पूछो, अपना नाम नहीं बता देगा, सब पता, क्या नाम है फिर? मुझे अपना नाम पता, नाम बता, मेरे को गलती नहीं, ये बताएगा अपने, तो अपने मुंह से बता क्या बात हो रही थी, इससे पूछो ना, सब पूछो, तू बता ना, मैं क्यों बताऊंगा, बता क्या बताएगा, कुछ नहीं चल रहा है इनके पीछे, झूठ बोल रहे हैं तुम्हें, मैं बता रहा हूँ ना, बता सच बता, बिल्कुल सच बता, बिल्कुल बहुत मारूंगा, सच बता रहा हूँ मैं, बता क्या चल रहा है, मैं पहले बता रहा हूँ, जान से मार दूंगा, सच बता क्या, क्यों झूठ बोल रहे हैं, हमारे क्यों लड़ाई करा रही है, बताएगा सच, जल्दी बता क्या है भाई, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं है, अब भी बोल रहा हूँ, मैं जूता निकाल के मारूंगा, ध्यान रख लियो, सच बता क्या चल रहा है भाई, मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा, क्या चल रहा है ये बता बस, क्या चल रहा है भाई, अब तू ही बता दे, अपने मुंह से बता दे, तूने बताया ना तो अपने मुंह से बता दे क्या चल रहा है। हाँ भाई बता दूँ, बता बता बोल, मेरे ध्यान रखना, दोनों को मारूंगा, ध्यान रखना, बोल बता दूँ, बता जल्दी से, टाइम वेस्ट कर, इसे प्रमोशन चाहिए, हाँ ठीक है, प्रमोशन के अपनी बीवी को मेरे पास चलाता रात को, शर्म नहीं आती तुझे, है बे शर्म नहीं आती तुझे, है शर्म नहीं आती तुझे, है बे इधर आ जरा, शर्म नहीं आती तुझे भाई, तू मैं घर पे चल के, तू हाथ लगा कैसे, लगे हाथ लगाइयो, तेरे को तो मैं घर चल के बता लगाएगा, सुन ऐसे मार से कुत्ता, मैं बोल रहा हूँ तेरा भाई खड़ा है ना, मार मार प्रीति, मार इसे, अरे मार मार मार, इधर आ जरा, इधर आ जा, तेरे को तो मैं घर चल के बताऊंगा, लगाएगा हाथ, हाथ लगा दे मेरे सामने, लगा दे तू हाथ भाई, तू पीछे हो तू, मैं आ रहा हूँ, हमारी लड़ाई, हाथ लगा, पीछे हो जा, अभी रोजा तेरे को तो लेके जाऊंगा, माफी मांग, ध्यान रख ले, सुन नहीं तो मैं तेरा नंगा नाच करूँ, करता हूँ, देख सुन तेरे बाप हूँ मैं, देख कैमरा पूरा सेट है, माइक भी लगा रखा लड़की ने, रिकॉर्डिंग भी है, माफ़ी मांग, और नहीं ये कैमरा किससे पूछ के लगवाया तूने, देख तू तूने है तुम क्या करवा रहे मेरे साथ, ये क्या करवा रहे तू मेरे साथ, है
आप हाथ मत लगा रुको, और तुम भी ध्यान रखना, अगली बार कोई सीन हो गया ना नंगा ना तेरी कंपनी का भी कर दूंगा। माफी मांग, इससे माफी मांग, नहीं तो वीडियो अपलोड होगी, ध्यान रख लियो। आप अभी घर के चले जाओगे या फिर वही मेरे साथ ये सब कुछ करेंगे? करेगा, ध्यान रख लियो। ये है ना सब चीज, ये फाड़ दूंगा तेरी, ध्यान रख लियो। माफी मांग अपनी बीवी से, माफी मांग। चल ठीक है, घुटने रख करके माफी मांग। इधर प्रीति, मांग माफी, माफी मांग, घुटने नीचे। चल ठीक है प्रीति, जो हुआ माफ कर दे मुझे। करेगा आजकल? नहीं। और तुम भी ध्यान रखना, किसी की बहन बेटी के सवाल है, ठीक है? जा निकल यहाँ से, जा और निकल जाओ तुम भी। टेंशन मत ले बिल्कुल भी किसी चीज की, इन्होंने बाद में फिर। मैं बैठा हुआ हूँ ना, तुम मुझे फोन कर दियो, ठीक है? तो गाइस, किसी भी बहन बेटी के साथ ऐसा होता ना यार भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर आ जाओगे तो भाई हेल्प तुम्हारा भाई करेगा, टेंशन मत लो। तो मैं तो इतना कहूँगा यार, बिल्कुल मत करो ये सब चीज़। तो सावधान रहो, सतर्क रहो, देखते रहो आरडी प्रोडक्शन। जय हिंद।